हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंगा रॉक नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं बूस्टर डोज ऑफ टीडी या फिर टीडी वैक्सीन के बारे में। जी हां, आज हम बात करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान जो टीका लगता है जिसको हम टीडी या फिर टीडी कहते हैं, उसकी जो बूस्टर डोज होती है वो कब लगवानी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बहुत से कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, जिसमें लोग मुझसे अधिकतर यही पूछते हैं कि जो टीडी की बूस्टर डोज होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान कब लगवानी चाहिए। तो पहले मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि जो टीटी की वैक्सीन होती है इसकी सिर्फ दो डोज लगती हैं। टीटी की जो फर्स्ट या सेकेंड डोज होती है जो गर्भावस्था के दौरान लगवाई जाती है, उसके बारे में अगर बहुत डिटेल में आपको जानना है तो उसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको देखिए। उसमें मैंने बहुत ही क्लियरली और बहुत ब्रॉड में बताया हुआ है कि टीटी या फिर टीटी जो वैक्सीन होती है इनमें क्या अंतर होता है, ये वैक्सीन कब लगवानी चाहिए, किन फीमेल्स को लगवानी चाहिए, इसकी क्या डोज है, क्या रूट है, और अगर इसको लगवाने की वजह कोई दिक्कत होती है तो उसमें क्या मैनेजमेंट हमको करना चाहिए। तो आप उस वीडियो को देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बूस्टर डोज के बारे में बात करेंगे। तो जैसे अगर पहले हम बात करें कि बूस्टर डोज कब लगवानी चाहिए, तो जब किसी भी फीमेल की, आप एकदम एक लाइन में समझ लीजिए कि अगर किसी भी फीमेल की जो करंट प्रेगनेंसी है, करंट प्रेगनेंसी से और प्रीवियस जो प्रेगनेंसी है उसके बीच में अगर 3 साल से कम का अंतर है, तो ऐसी महिलाओं को बूस्टर डोज लगती है। इसको हम कह सकते हैं कि जो उसकी करंट प्रेगनेंसी है, उसकी जो करंट प्रेगनेंसी है, किसी फीमेल की जो करंट प्रेगनेंसी है वो बिफोर 3 इयर्स ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, मतलब कि जो पहले की उसकी प्रेगनेंसी है, चाहे वो पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, जो भी बच्चा उसका है, अगर वो पहले का जो भी उसका प्रेगनेंसी है, उस प्रेगनेंसी के बाद जो अभी की करंट की उसकी प्रेगनेंसी है, अगर इन दोनों के बीच 3 साल से कम का अंतर है, 3 साल से पहले ही उसको प्रेगनेंसी कंसीव हो जा रही है, तो ऐसी महिलाओं को क्या लगता है, बूस्टर डोज लगता है। ऐसी महिलाओं को बूस्टर डोज लगता है। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें कि अगर कोई भी महिला है, जैसे अगर उसका हम एक्सवाइजेड कोई भी महिला है, अब अगर वो प्रेग्नेंट हुई, सपोज दैट कि उसकी प्रेगनेंसी की जो डेट है वो 25/8/2020 है, अब इस दौरान वो प्रेग्नेंट हुई, तो इस दौरान उसको टीटी का फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों डोज लगा है। अब उसकी जो दूसरी प्रेगनेंसी है, दूसरी बार जब वो प्रेग्नेंट हुई, तो उस दौरान वो 3 साल से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, अगर वो 25/8/2022 को प्रेग्नेंट हो गई, तो पहली जो उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी थी, पहले की प्रेगनेंसी और ये जो करंट की प्रेगनेंसी है, इन दोनों के बीच में 3 साल से कम का अंतर है, इसलिए अब इसको क्या लगेगा, बूस्टर डोज लगेगा। इसको क्या लगेगा, बूस्टर डोज लगेगा। और बूस्टर डोज जो होता है टीडी का, उसमें सिर्फ सिंगल वैक्सीन लगती है, सिंगल वैक्सीन लगती है, इसमें भी सिंगल सिंगल ही रहती है, लेकिन इसमें दो डोज लगती है। अब जब फीमेल पहली बार प्रेग्नेंट हुई, मतलब कि उसकी जो प्रीवियस प्रेगनेंसी है, उस दौरान अगर उसको फर्स्ट डोज लगी हुई है, सेकेंड डोज नहीं लगी है, ये भी सवाल देखने को मिलता है, ये भी लोग पूछते हैं कि अगर उसको पहली प्रेगनेंसी में या फिर करंट प्रेगनेंसी में ही अगर फर्स्ट डोज लगी है और सेकेंड डोज मान लीजिए छूट गई, जो भी टाइम ड्यूरेशन था, जो भी टाइम डेट दी गई थी सेकेंड डोज की, अगर उसमें नहीं लगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद उसको याद आया कि अरे मुझे सेकेंड डोज भी लगवानी थी, तो उस दौरान वो क्या करे, तो उस दौरान कुछ नहीं करना है, सिंपली जाके आपको सेकेंड डोज भी लगवा लेना है, बस उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर कोई ऐसी महिला है जिसने फर्स्ट डोज भी लगवाई हुई है, सेकेंड डोज भी लगवाई हुई है, पहले की जो उसकी प्रेगनेंसी है उसमें उसने फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों लगवाया हुआ है, लेकिन फिर उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है, और प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के बाद 3 साल के अंदर ही, जैसे मान लीजिए कि एबॉर्शन हो गया, सपोज दैट कि फीमेल का क्या हुआ, एबॉर्शन हो गया, अब एबॉर्शन उसका कब हुआ, मान लीजिए उसकी प्रेगनेंसी कितनी, 3 मंथ की थी, 3 मंथ की प्रेगनेंसी थी और वो एबॉर्ट हो गई, लेकिन उस दौरान उसने टीटी के फर्स्ट और सेकेंड दोनों डोज लगवा रखे थे, अब उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई और फिर उसने 6 महीने साल भर 1.5 साल 2 साल के अंदर ही फिर से प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, तो अब उस महिला को फर्स्ट और सेकेंड डोज नहीं लगेगी बल्कि बूस्टर डोज लगेगी। अब उस महिला को क्या लगेगा, बूस्टर डोज लगेगा, क्योंकि एबॉर्शन में भी उसने प्रेगनेंसी कंसीव की और उस दौरान उसको टीटी के दोनों वैक्सीन लगे थे, अगर यहीं पे उसने प्रेगनेंसी कंसीव की थी और लेकिन उसको ये डोज नहीं लगी थी और उसका एबॉर्शन हो गया, तो उस दौरान क्या होगा, तो उस दौरान तो बिल्कुल ये फ्रेश है, इसको टीडी का वैक्सीन लगा ही नहीं, तो चाहे प्रेगनेंसी 2 साल में कंसीव करे, चाहे 3 साल में कंसीव करे, या फिर 4 साल में कंसीव करे, हमको वहां पे दोनों टीके इसको देने होंगे, फर्स्ट और सेकेंड दोनों वैक्सीन इसको लगेगी, क्योंकि इसने पहले कोई भी टीका नहीं दिया है।
नेक्स्ट अगर फीमेल का मान लीजिए कि आईडी हो गया है, मतलब इंट्राउटराइन डेथ हो गई, जो भी उसने प्रेगनेंसी कंसीव की थी उसमें उसका बच्चा घर के अंदर ही मर गया, लेकिन उस दौरान उसने टीडी की वैक्सीन लगवाई थी। अब टीडी की वैक्सीन उसने लगवा रखी थी लेकिन उसका बच्चा अंदर ही एक्सपायर हुआ, गर्भ में उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उसने प्रेगनेंसी 3 साल के अंदर ही कंसीव कर ली, उसका बच्चा जिस डेट पे एक्सपायर हुआ उस डेट से लेके अगली जो डेट थी उसमें 3 साल से कम का अंतर था। अब उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान उसको कौन सी डोज लगेगी, बूस्टर डोज ही लगेगी। क्यों? क्योंकि उसने पहले से टीडी की दोनों वैक्सीन ले रखी थी और उसकी जो प्रेगनेंसी थी वो लॉस हो गई किसी भी वजह से। अब जो उसकी करंट की प्रेगनेंसी है उसमें उसको कौन सी डोज लगेगी, बूस्टर डोज लगेगी, क्योंकि इसमें उसने क्या किया था, फर्स्ट और सेकेंड दोनों डोज उसने ले रखी थी। तो सीधा कहने का मतलब ये है कि आपकी प्रीवियस जो भी प्रेगनेंसी है, चाहे वो पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, जो भी प्रेगनेंसी हो, अगर उसमें आपने टीडी के फर्स्ट और सेकेंड डोज ले रखी हैं और फिर से आप 3 साल के अंदर ही गर्भवती हो जाती हैं, तो उस दौरान आपको फर्स्ट या सेकेंड डोज नहीं लगेगी बल्कि सीधे क्या लगेगा, बूस्टर डोज लगेगा, जिसमें सिर्फ एक सिंगल डोज होती है, इसमें दो टीके नहीं लगते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी 3 साल के बाद होती है, अगर एबॉर्शन हुआ है या फिर आईयूडी हुआ है और 3 साल के बाद प्रेगनेंसी हो रही है, तो फिर वहां पे क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों डोज लगेगी। तो सीधा क्लियर है इसका फंडा कि अगर कोई भी महिला है, अगर उसकी पहले की जो भी प्रेगनेंसी है उस प्रेगनेंसी से लेके जो अभी करंटली उसकी प्रेगनेंसी है उसके बीच में 3 साल से कम का अंतर है, तो उसको बूस्टर डोज लगेगी, क्योंकि पहली बार में या फिर जो पहले की उसकी प्रेगनेंसी थी उसमें उसने टीडी की वैक्सीन ली थी। लेकिन अगर टीडी की वैक्सीन उसने नहीं ली होती, प्रीवियस जो उसकी प्रेगनेंसी है उसमें अगर टीडी की उसने वैक्सीन नहीं ली है, तो इस प्रेगनेंसी में जो करंट की उसकी प्रेगनेंसी है, चाहे वो 3 साल के बाद हो चाहे 3 साल से पहले हो, उसको फर्स्ट और सेकेंड दोनों डोज लगेगी, क्योंकि पहले उसने कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाया था इसलिए। अब यहाँ पे एक सवाल और ये भी आता है कि जैसे अगर कोई फीमेल मान लीजिए प्रेगनेंट है, अब प्रेगनेंसी के दौरान उसने मान लीजिए कि फर्स्ट डोज ले रखी है, फर्स्ट डोज उसने ली, अब सेकेंड डोज की उसकी जो भी ड्यू डेट थी उसके पहले ही उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई, उसका बच्चा खराब हो गया और फिर वो 3 साल के अंदर ही फिर से गर्भवती हो गई, तो उस दौरान वो क्या करे, तो उस दौरान उसको फिर से फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों डोज लगेगी। क्यों? क्योंकि पहली डोज तो उसने ली थी लेकिन सेकेंड डोज उसने नहीं ली थी और उसका बच्चा भी खराब हो गया, सेकेंड डोज लेने से पहले उसका बच्चा खराब हो गया। अगर उसका प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही होती, उसका बच्चा खराब नहीं होता, तो वो सेकेंड डोज 100% लेती, लेकिन उसका बच्चा पहले ही खराब हो गया इसलिए वो सेकेंड डोज नहीं ले पाई, तो अब इस डोज को हम क्या करेंगे, 0 मानेंगे। और फिर जब वो दोबारा प्रेग्नेंट होगी तो उस दौरान हम उसको क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड दोनों डोज देंगे, चाहे ये प्रेगनेंसी उसकी 3 साल के अंदर हो या फिर 3 साल के बाद हो, दोनों कंडीशन में हम उसको फर्स्ट और सेकेंड दोनों डोज देंगे। लेकिन अगर वहीं पे अगर फीमेल प्रेग्नेंट थी और उसने फर्स्ट और सेकेंड दोनों डोज ले रखी थी, उसके बाद उसका बच्चा खराब हुआ, तो फिर हम उसमें देखेंगे टर्म एंड कंडीशन कि अगर महिला 3 साल के अंदर फिर से दोबारा गर्भवती होती है तो महिला को बूस्टर डोज देंगे, और अगर वहीं पे 3 साल के बाद प्रेग्नेंट होती है तो फिर हम उसको फर्स्ट और सेकंड दोनों डोज देंगे, बूस्टर डोज नहीं देंगे। पहले क्या होता था कि जब फीमेल गर्भवती होती थी तो उस दौरान उनको 3 वैक्सीन लगते थे, अब क्या है, अब सिर्फ 2 वैक्सीन लगते हैं। अगर फ्रेश प्रेगनेंसी है तो फिर उसको सिर्फ 2 वैक्सीन लगते हैं, अगर उसकी पहले की प्रेगनेंसी किसी भी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन रहे हैं तो फिर सेकेंड प्रेगनेंसी अगर 3 साल के अंदर वो हो रही है तो फिर उसमें क्या होगा, सिर्फ उसको बूस्टर डोज लगेगी। तो अगर फीमेल की प्रेगनेंसी बिफोर 3 ईयर है, बिफोर 3 ईयर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, तब हम उसको बूस्टर डोज देंगे, या फिर फीमेल का एबॉर्शन हुआ है और एबॉर्शन होने के बाद 3 साल से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको हम बूस्टर डोज देंगे। उसमें भी कंडीशन है कि उसने फर्स्ट या सेकेंड डोज अगर ले रखी है, जब उसकी प्रेगनेंसी थी पहले की तो उसने फर्स्ट और सेकेंड डोज ले रखी थी और 3 साल के अंदर वो प्रेग्नेंट भी हो गई, तो हम उसको बूस्टर डोज ही देंगे, फर्स्ट सेकेंड नहीं देंगे। लेकिन अगर वहीं पे इस महिला ने फर्स्ट डोज सिर्फ ली होती और सेकेंड डोज से पहले उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती, तब हम क्या करते, तब उसको फर्स्ट और सेकेंड दोनों डोज देते, बूस्टर नहीं देते, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड डोज देते। ये कंडीशन हो गई। थर्ड क्या है, आईयूडी है, तो आईयूडी में भी सेम इसी तरह से होता है, यही कंडीशन हम देखते हैं कि जो टर्मिनेशन है उसके पहले फीमेल ने एक डोज ली है या फिर दोनों डोज ले ली है। आई होप कि आज की वीडियो से आपके जो भी डाउट थे अभी तक के वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए रखी थी ताकि आपके जो बूस्टर डोज रिलेटेड समस्याएं हैं या बूस्टर डोज रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है उसको मैं दूर कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।